हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू एंजॉय बागवानी। तो चलिए आज के वीडियो में हम बात करते हैं कुछ ऐसे प्लांट्स जो कि बहुत ही आसानी से कटिंग से चल जाते हैं, कटिंग से बहुत आसानी से गर्मियों में लगेंगे, 10 दिन से कटिंग लगेंगी उसकी। और ये बहुत छोटे छोटे प्लांटर्स में लग जाते हैं जिनके गमलों की इनकी साइज़ बहुत छोटी चाहिए। और अगर आपके घर में धूप नहीं आती है, शेड रहता है, तो ये जो प्लांट है ये बहुत अच्छे शेड में फ्लावरिंग भी करते हैं और बहुत आसानी से शेड में चलते भी हैं और आपके घर में जो है ना सुंदरता बिखेरे रहते हैं, क्योंकि इनकी जो लीफ का पैटर्न है वो बहुत सुंदर सुंदर होती है। और साथ में इनमें कुछ ऐसे प्लांट्स जिनमें कि फ्लावरिंग भी होती है बहुत सुंदर, गर्मियों में भी आपको फ्लावरिंग देंगे छोटे छोटे। तो चलिए देखते हैं, इसमें सबसे पहला प्लांट है फ्रेंड्स, ये है बिगोनिया की वैरायटी, बिगोनिया की रेड वाली वैरायटी जो मेरे छत में लगी है, क्योंकि विंटर्स में मैंने छत में रख दी थी। और इसकी पिंक वैरायटी है और ये जो है ना दिन भर ना शेड में रहता है, जैसे कि इधर ना जो हमारा शेड का एरिया, पेड़ का एरिया, और यहाँ पर बिल्कुल धूप नहीं आती है। तो ये जो प्लांट है ना, अगर आप देखेंगे तो इसका लीफ बहुत ही सुंदर होता है। यहाँ पर एक और गमला है, ये देखिए, ये सब छोटे छोटे पॉट में लगे हुए हैं और देखिए इनकी पॉट की साइज़ बहुत छोटी है और ये पूरे पॉट को ना भर दिए हैं। इनकी जो लीफ है ना वो बहुत सुंदर पैटर्न में रहती है, देखिए जैसे कि लगता है ना एकदम स्ट्रेट खड़ी हुई रहती है, ऐसे लगता है कमल के पत्तों की तरह रहती है। और इसकी देखिए फ्लावर बहुत सुंदर होती है। तो बिगोनिया जो होता है ना उसको ना आपको ज़्यादा केयर करने की ज़रूरत नहीं रहती है, ज़्यादा पानी भी देने की ज़रूरत नहीं रहती है, क्योंकि जो ये अपने जो स्टेम में ना पानी ऐसे स्टोर करके रखी रहती है। अगर आप इसका स्टेम दिखाओ मैं, तो ऐसे पानी स्टोर करके रखी रहती है, तो ज़्यादा केयर करने वाला प्लांट नहीं है, बहुत ही आसानी से कटिंग के थ्रू लगता है और बहुत ही सुंदर फ्रेंड्स ये फ्लावरिंग करते रहता है। सेकेंड प्लांट है इसमें जो है, जो कि आपके जो है लो लाइट में और बहुत आसानी से और छोटे गमलों में चल जाता है, वो है सॉन्ग ऑफ इंडिया। ये देखिए, ये एक ड्रेसिना की भी वैरायटी है और ये देखिए ये भी जो हमारे है ना 4 इंच के पॉट में लगा हुआ है। और ये देखिए, अगर आप कुछ अपने प्लांट को छोटा ही रखना है बालकनी के लिए तो छोटे पॉट्स ही ज़्यादा बेटर रहते हैं, छोटे रहें और बहुत सारे हमारे जो है ना बालकनी में रहें, तो उसके लिए सॉन्ग ऑफ इंडिया ये एक बहुत अच्छी चॉइस है। और इसको भी आपने एक छोटी सी कटिंग यहाँ से तोड़ के किसी भी मिट्टी में लगा देंगे ना, किसी तरह की मिट्टी में लगा देंगे, चाहे बालुई मिट्टी में या चिपचिपी मिट्टी में, नॉर्मल गार्डन सॉइल में, तो बहुत आसानी से ना ये सॉन्ग ऑफ इंडिया चलने वाला प्लांट है फ्रेंड्स। इसी के साथ जो है ना ये एक है ड्रेसिना की वैरायटी है, तो ये जो है ना ड्रेसिना है ना ये भी बहुत आसानी से चलता है। ये देखिए, ये भी हमारी ना 4 इंच के पॉट में लगी और ये ना पूरे शेड लविंग है, शेड में बहुत अच्छी चलती है। उसके साथ फ्रेंड्स ये है अरेलिया का प्लांट, अरेलिया का प्लांट बहुत सुंदर दिखता है, एक छोटे ट्री के जैसे शेप का रहता है। तो आप ना इसको ना यहाँ से ऐसे कटिंग करके लगा देंगे ना, तो ये 10 दिन के अंदर ना अपनी रूटिंग पकड़ लेगी और बहुत आसानी से चलने वाला प्लांट है छोटे गमलों में। ये भी 4 इंच के पॉट में लगा फ्रेंड्स, मैं ऐसा बात नहीं कर रही हूँ जो कि बस ऐसे ही बोल दे रही हूँ। ये देखिए मेरे लगे हुए हैं प्लांट और मेरे ये पूरे टोटल शेड में रहते हैं सालों भर बिना केयर के रहते हैं और इनको मैं एकदम केयर नहीं करती। तो अरेलिया एक प्लांट है और बिगुनिया मैंने ऑलरेडी बता दिया फ्रेंड्स। इसके बाद है हमारा चाइनीज़ एवरग्रीन या फिर एग्लोनीमा की वैरायटी, और ये देखिए एग्लोनीमा की ये है रेड लिपस्टिक वाली वैरायटी है और ये चाइनीज़ एवरग्रीन जो है ना ग्रीन वाली वैरायटी है। और इसकी बहुत सारी वैरायटी है और नर्सरीज में ये बहुत महंगे महंगे दामों में मिलता है। तो फ्रेंड्स ये जो है ना आपके जो गार्डन है ना उसमें इतना सुंदर कलर ऐड करता है, क्योंकि ये जो रेड वाली वैरायटी है देखिए अलग ऐड करता है और ये जो ग्रीन जो है ना पोथोस ग्रीन जो होना है जिसको नियोन ग्रीन बोलते हैं उस तरीके का है और ये बहुत सुंदर जो है ना प्लांट चलता है। और ये भी देखिए हमारे 4 इंच के पॉट में है, इसको भी केयर करने की ज़रूरत नहीं है और एकदम शेड में आपका बहुत आसानी से चलता है और ये भी बहुत आसानी से कटिंग के थ्रू लगता है फ्रेंड्स। जो नेक्स्ट प्लांट है वो है सिंगोनियम, सिंगोनियम की बहुत सारी वैरायटी है मेरे पास, जैसे कि ये जो है ना ये है वाइट विंग वाली वैरायटी है। उसके साथ होता है एक वेडिलैंडी होता है, एक पिंक सिंगोनियम होता है, वाइट सिंगोनियम, ग्रीन सिंगोनियम, और ये एक बहुत अच्छा एयर प्योरीफाइंग प्लांट है जो कि छाए में चलता है। और अगर आप इसको कमरे के अंदर भी सजाना चाहें तो कमरे के अंदर भी सजा सकते हैं या फिर हैंगिंग प्लांट्स के लिए भी बहुत अच्छा प्लांट है और एकदम छोटे छोटे प्लांटर्स में ये चलने वाला फ्रेंड्स प्लांट है। तो देखिए इसके साथ मैंने लगाया है ये स्पाइडर प्लांट। तो फ्रेंड्स स्पाइडर प्लांट जो है ना वो भी बहुत सुंदर प्लांट है जो कि हैंगिंग बास्केट के लिए बेस्ट है और ये भी एक एयर प्योरीफाइंग प्लांट है और ये भी छोटे छोटे गमले में चलता है और बहुत सुंदर एक ग्रीनरी प्रोवाइड करता है। और ये जो है ना स्पाइडर प्लांट के ना पत्तों या इसके बीच से ना एक सकर्स निकलते हैं जिससे कि आप छोटे छोटे इसको प्रोपोगेट कर सकते हैं, वैसे ये बल्बस प्लांट है। उसके साथ फ्रेंड्स बहुत सारे ऐसे प्लांट हैं जो कि छोटे छोटे गमलों में चल जाते हैं, चलिए उसको दिखाती हूँ मैं।
फ्रेंड्स तो ये देखिए, ये भी है एक ड्रेसना की वैरायटी, जिसे कि क्या बोलते हैं, भूल गई मैं, रूबी, हाँ रूबी बोलते हैं। और ये देखिए, ये भी एक छोटे से कप में लगा हुआ है, कप में। तो ये भी बहुत छोटा सा जो है ना, छाए में चलने वाला प्लांट है। उसी के साथ ये जो आपको मैंने बताया था पिंक सिंगोनियम, और ये है एरो हेड जिसको बोला जाता है, इसका जो रेड है ना ये है। और ये जो सारे प्लांट्स हैं ना फ्रेंड्स, ये ना बहुत छोटे छोटे गमलों में चल जाते हैं। और इनको देखिए, एकदम शेड में रखा हुआ है, शेड में ही रहता है ये। बहुत आसानी से शेड में आपके घर में ग्रीनरी भी ऐड करते हैं, एयर को भी प्योरीफाई करते हैं, छोटे प्लांट से भी लग जाते हैं और छोटी कटिंग से भी लग जाते हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप आज की वीडियो जो होगी वो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी होगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक थैंक यू, बाय।